दोस्तों, कुछ एक अंकों को दुनिया में सबसे अशुभ अंक माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नंबर 4, इस साल का मूलांक भी 4 है, यानी कि 2020, 2+2=4, और यह राहु का नंबर है, इससे बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे ही कौन कौन से अंक हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इन अंकों से, इन डेट्स से बच करके रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में पूर्णतः हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल, कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो अशुभ संख्या 4 के बारे में। पूर्वी एशिया के ज्यादातर देशों में 4 को बहुत ही अशुभ अंक माना जाता है। चीन में तो लोगों की धार्मिक आस्था इतनी है कि वो उसके अनुसार 4 को सबसे बुरा अंक मानते हैं। और देखिए, चीन से ही स्टार्ट हुआ है इस 4 वाले ईयर में कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है। वो इस अंक से डरते हैं, जिसके पीछे एक कारण है। दरअसल अंक 4 चीनी भाषा में मृत्यु शब्द के समान सुनाई पड़ता है। इस अंक को लेकर के उनका मत इतना मजबूत है कि चीन की इमारतों में आपको 4, 13, 14 और 24 नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा, वो बनता ही नहीं है वहाँ पर। और 4 अंक राहु का होता है और राहु के पास सिर्फ और सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। ये वैसे भी प्रकृति में गुंडे टाइप का आदमी है और ये परेशान तो करता ही है। इससे बचने का उपाय है कि आप जो स्वान होते हैं, यानी कि कुत्ते होते हैं, उनको जरूर कुछ खिलाइए पिलाइए, उनको खुश रखिए, उनको मारिए मत, दुत्कारिए मत, तो आप ठीक रहेंगे। गरीबों को दुत्कारिए मत तो आप बचे रहेंगे इसके अशुभ परिणामों से, और वाहन से खास करके बचना चाहिए 4 की डेट में। इसके अलावा अशुभ संख्या माना जाता है 9 को। 9 बहुत ही शुभ अंक है, लेकिन चीन की संस्कृति के मुताबिक संख्या 9 को अशुभ माना जाता है। इसके पीछे वो दलील देते हैं कि इस संख्या की ध्वनि उन्हें प्रताड़ना और दुख के समान सुनाई देता है। इसके अलावा अशुभ संख्या है 13। आपको ऐसी लिफ्ट या फिर कमरे नजर नहीं आएंगे जिन पर 13 नंबर लिखा हो। ये अंक पूरी दुनिया में ही अशुभ माना जाता है। ये मान्यता है कि जूडस इस्कोरियत ने जीसस को धोखा दिया था और वो आखिरी भोज के दौरान 13वें मेहमान के रूप में आया था। क्रिश्चियन धर्म के अलावा पारसी समुदाय और पूरी दुनिया के लोग इसे अशुभ मानते हैं। इसके अलावा अशुभ संख्या है 24। जापान में 24 अंक को ना सिर्फ अशुभ बल्कि खतरनाक माना जाता है। उनका मानना है कि 24 अंक की ध्वनि स्टिल बर्थ, यानी कि गर्भ से मृत बच्चे के जन्म से मिलता जुलता है। इस वजह से वो इस अंक से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा अशुभ अंक है 39। 39 अंक को अफगानिस्तान में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अफगानी जबान में जब 39 अंक बोला जाता है तो वो मुर्दा गो के समान लगता है, जिसका मतलब है मृत गाय, जिसे वो लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से प्रोस्टिट्यूटस के दलाल के लिए। जी हाँ, तो इसलिए इसे अशुभ माना जाता है वहाँ। इसके अलावा अशुभ संख्या माना जाता है 43 को। संख्या 43 भी 24 के समान ही सुनाई पड़ती है और उसका मतलब भी वो लोग वैसे ही समझते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जापान के अस्पतालों में आपको 43 अंक के कमरे नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ दुनिया से जुड़े हुए तथ्य रहे आपके लिए कि कौन से देश में कौन से अंक को अशुभ माना जाता है। तो ये कुछ अशुभ अंक रहे आपके लिए। ऐसे ही नई वीडियोज के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम नई वीडियोज को लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।